फिर कहे तो यूज़ कर लेते हैं। हेस्टी डिसीजन लेने में जल्दी घर जाना ही नहीं है, जाना अरे अच्छा लगता है। हालत दिमाग मैं तो पंजाब में पता लगा एक स्विच है हम उसको काम करके आए वो हमारा पंडाल जो है ना बहुत बड़ा इवेंट कर रहा है। पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले सीख देने वाले राष्ट्रपिता परम पूज्य महात्मा गांधी जी की धरती पर भारतीय झगड़ा पार्टी ने आज हिंसा का एक नया पाठ गुजरात प्रदेश में शुरू किया है। भाजपा की गुंडागर्दी, भाजपा की मारपिटाई ये दिखाती है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के बढ़ते जन समर्थन से, बढ़ती लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है और भाजपा के कैंप में डर और बौखलाहट का माहौल कुछ इस प्रकार है कि आज उन्होंने आम आदमी पार्टी के महामंत्री मनोज भाई, जो भगवान गणेश की पंडाल में शांति से आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना कर रहे, आराधना कर रहे आम आदमी पार्टी के महामंत्री मनोज भाई को भाजपा के गुंडों ने मार मार के, पीट पीट के उनका सर फोड़ दिया। ये हिंसावादी पार्टी आज भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। अभी आज हर सर्वे ये दिखा रहा है कि गुजरात में सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या और कोई पार्टी दूर दूर तक मैदान में नहीं। और ये इस बात से साबित हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे सिर्फ आम आदमी पार्टी पर ही अटैक करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही हमला करते हैं। कभी आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को कांग्रेस के नेता पे अटैक करते देखा, उसे मारते पीटते देखा? कांग्रेस आज भाजपा को चुनौती नहीं दे पा रही। गुजरात का और आने वाला देश का चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी होने जा रहा है, बीजेपी वर्सेस अरविंद केजरीवाल होने जा रहा है। और एक बात, गुजरात 2022 के विधानसभा चुनाव में एक अच्छी बात जो होती नजर आ रही है, इस लड़ाई झगड़े, इस मार पिटाई के माहौल में, इस गुंडागर्दी के माहौल में एक चीज जो एक उम्मीद की किरण बनके उभर रही वो ये है कि गुजरात 2022 का चुनाव अरविंद केजरीवाल जी द्वारा गुजरात के अस्पतालों, गुजरात के स्कूल, गुजरात की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने पर, गुजरात के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने पर होने जा रहा है। और बेरोजगारी कैसे कम करी जाए, महंगाई कैसे कम करी जाए, और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो दिल्ली में हमने देखा, जो पंजाब में हम देख रहे हैं, उसे गुजरात में कैसे लाया जाए, इस मुद्दे पर होने जा रहा है। पूरा देश इस बात को जानता है कि जहां पर भी गुंडागर्दी होती है, मार पिटाई होती है, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए, मार पिटाई कर हमारे प्रदेश के महामंत्री का सर फोड़ दिया। हम अभी उनसे मिलकर आ रहे हैं, अस्पताल में खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, अभी फर्स्ट फ्लोर पे उनका कमरा है, उनसे अभी बस मिलकर लौटे, उनका पूरा सर यहाँ से फाड़ दिया। आज हमारे प्रदेश के महामंत्री को इतनी बेरहमी, पिछले 27 सालों के शासन में बीजेपी ने पूरे गुजरात में बुनियादी सुविधाओं से लेकर कानून व्यवस्था तक हर चीज बद से बदतर कर दी है। मैं भारतीय जनता पार्टी, मतलब सिर्फ एक ही है, इसका
राजनीतिक मैसेज बस एक है कि भाजपा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की बढ़ती भाजपा वर्सेज आम आदमी पार्टी और नकली गुजरात मॉडल वर्सेज पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का जिस तरह से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में प्रेम मिल रहा है उसको देखकर जो है अब घमासान की जो है एक जंग छिड़क चुकी है। जी हाँ, हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दो दिन पहले ही एक घटना आपको बता दें कि सरथाना इलाके में देखी गई, जहां पर गणपति का जो मंडप होता है, क्योंकि गणपति का जो है अभी हाल में नौ दिनों का गणपति जो है स्थापित किया जाता है, ऐसे में सरथाना के इलाके में आपको बता दें कि वहां पर आम आदमी पार्टी द्वारा उस जगह पर एक मंडप स्थापित किया गया था और उसी वाद विवाद को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं ना कहीं जो है एक हाथापाई हुई। उसी बीच जो है आम आदमी पार्टी गुजरात के महामंत्री मनोज सोरठिया पहुंचे थे, जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। जानलेवा हमला इस तरह से हुआ कि उनके माथे पर जो है एक सरिया जो होता है उससे वार किया गया, जिससे उनके सिर पर जो है एक घाव का निशान हुआ, जिसमें करीबन 10 से 12 टाके जो है देखने को मिल रहे हैं, जो कि डॉक्टर और उनके कार्यकर्ताओं ने बताया हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी गुजरात जो है एक्टिव हो चुकी है और कहीं ना कहीं बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस तरह का निवेदन आम आदमी पार्टी दे रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब बौखला गई है, इसी वजह से वो उनके कार्यकर्ताओं द्वारा हमला करा रही है। इसी बीच जो है कल जो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे, राघव चड्ढा पहुँचे थे और उनको जो है एवर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ था। उन्होंने सिमिमेर में अस्पताल में जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है मनोज सोरठिया का, वहाँ का दौरा किया था, उनसे बातचीत की थी और उसके बाद जो है प्रेस मीडिया से बातचीत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है खरी खरी सुनाई, क्योंकि उन्होंने एक साफ साफ कहा है कि अब गुजरात के अंदर जो है तीसरी कोई पार्टी नहीं है, जंग लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है, क्योंकि अब बीजेपी पार्टी जो नहीं है वो झगड़ा पार्टी बन चुकी है, क्योंकि जो है आम आदमी पार्टी का जिस तरह से गुजरात में कहीं ना कहीं पर्चा लहरा रहा है, गुजरात में उनकी छवि जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जो है एक नई उमंग देखने को मिली है, यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से बौखला गई है, यही वजह है कि जो है उनके ऊपर उनके जो है कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार है, यही वजह है कि आज जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में उनकी सरकार है, उसके बाद आपको बता दें कि पंजाब में उनकी सरकार बन चुकी है, पंजाब के बाद जो है अब उनका निशाना जो है गुजरात है। गुजरात राज्य में कांग्रेस जो है पिछले 20 सालों से उनकी कोई सरकार नहीं बना रही है, केवल विरोध पक्ष में बैठी है, यही वजह है कि आम जनता कहीं ना कहीं महंगाई मुद्दे को लेकर त्रस्त हो चुकी है, यही वजह है कि आम आदमी पार्टी लगातार जो है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात के दौरे पर हैं, कई बार उन्होंने दौरा किया है, कई बार रैलियां की है, अब लोगों का जो है कहीं ना कहीं रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी गुजरात जो है भूपेंद्र पटेल और पाटिल का जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं इसको लेकर राघव चड्ढा ने बड़ी टिप्पणी की है कि पाटिल और पटेल की जो है गुजरात में अब नहीं चलेगी, यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी आने वाले, क्योंकि दिनों में विधानसभा का चुनाव है और विधान चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव है। और अरविंद केजरीवाल जिस समय सूरत आए थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि गुजरात में फ्री शिक्षा और फ्री बिजली देने का वादा उन्होंने किया है अगर उनकी सरकार बनती है तो। क्या आम जो है जनता, गुजरात की जनता इस पर भरोसा करेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके मनोज सोरठिया ने कि गुजरात के महामंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर हमला किया गया उसको लेकर कड़ी निंदा जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता ने किया गया है। इस पूरे बात को लेकर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया था और अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया था, लेकिन सूरत पुलिस जो है इस पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए जो है FIR दर्ज किया है, लेकिन जो है उसमें जो है 307 IPC की धारा 307 जो है वो दर्ज नहीं की गई थी, इसी वजह से जो है आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे वो जो है सरथाना पुलिस थाने के बाहर जो है विरोध प्रदर्शन हुआ था बड़े पैमाने पर, करीबन 2 से 3 हज़ार लोगों का वहां पर घिरा हुआ था और उनकी एक ही मांगी थी इस पूरे मामले में 307 जो है IPC की कलम वो दर्ज हो, तभी जाकर जो है वो
आगे की कार्रवाई जो है रोक सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या कुछ निकल के आया है इस पूरे मामले में, अभी पुलिस की ओर से कोई इसका इशारा नहीं हुआ है, ना ही 307 का जो मामला है वो दर्ज है। लेकिन एक बात साफ हो जाता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व है वो गुजरात में कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसी वजह से आम आदमी पार्टी बेहद एक्टिव है, या उसी की वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अब कहीं ना कहीं उसके अंदर खड़बड़ाहट मची हुई है, हड़कंप मची हुई है। अब देखना ये होना कि आने वाले विधानसभा को लेकर जो है विधानसभा में क्या कुछ बदलाव होता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है अब कहीं ना कहीं उसके अंदर खड़बड़ाहट मची हुई है, हड़कंप मची हुई है। अब देखना ये होना कि आने वाले विधानसभा को लेकर जो है विधानसभा में क्या कुछ बदलाव होता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और जो है पंजाब के बाद अब गुजरात में अपना जो है पर्चा लहरा सकती है, यही डर जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने वाली बात होगी। अगर आपको हमारी इस वीडियो और हमारी हमारी जो एक खबर है आपको अच्छी लगती है, और आप हमें जो है फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा जो है फेसबुक वो भी लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखें हमारे चैनल को। सूरत से राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत।